वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है कि उनके लिप्स के ऊपर बाल काफी आ जाते हैं जिससे वो बहुत परेशान है। ब्यूटी पार्लर में वो जाना नहीं चाहती हैं बोली, और साथ में उनका कहना है कि वो थ्रेडिंग कराती हैं तो 3-4 दिन में ही बाल वापस आ जाते हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं घर पे बैठे बैठे इन बालों से परमानेंटली छुटकारा पाऊं। तो ठीक है जी, उपाय बताता हूँ मैं आपको। बहुत आसान उपाय है। आपको क्या करना है, एक पेस्ट बनाना है, और ये पेस्ट बनाने के लिए आपको लेना है बेसन, दूध, थोड़ी सी हल्दी, एक आध बूंद, दो बूंद तेल और एक दो बूंद नींबू का रस। तो चलिए मैं बनाना सिखा देता हूँ आपको कैसे बनाना है ये। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 चम्मच ये बेसन लेना है, इसमें 1 चुटकी हल्दी मिला दें, और इसमें दूध मिला के ये पेस्ट जैसा हमको बना लेना है इस तरह से। और अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद तेल डाल देंगे हम, तिल का तेल या सरसों का तेल भी आप डाल सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, और अब क्या करना है, इसमें 4-5 बूंदें नींबू की निचोड़ लें अच्छी तरह से, और नींबू मिलाने के बाद इसको फिर से मिक्स कर लेना है। और अब ये जो आपका मिक्सचर तैयार हो गया है, आपको अपर लिप हेयर की प्रॉब्लम है जो आपके बाल आ जाते हैं, तो वहां पर आपको ये होंठ के ऊपर जहां पे भी आपको बाल आते हैं उस पर अच्छी तरह से इसको लेके अप्लाई कर लेना है। थिक पेस्ट अप्लाई करें, मोटा मोटा अच्छी तरह से अप्लाई कर लें जहां जाएं, उसको 10 मिनट सूखने दें, और जैसे ही ये 10 मिनट में थोड़ा सा सूखने लगेगा, ड्राई होने लगेगा, तो रगड़ के उंगलियों से, हाथ से इस तरह से इसको आपको रिमूव करना है। अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल भी साथ में उसके रिमूव होते जा रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इसको रिमूव कर लेना है, और उसके बाद गुनगुने पानी से मुंह धो लें। ये प्रयोग करना है हफ्ते में 2 बार 2 महीने तक। 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके अपर लिप के जो हेयर हैं, जो बालों की ग्रोथ है, वो काफी कम हो जाएगी या हो सकता है खत्म भी हो जाए। तो बस बिल्कुल आसान तरीका, घर में ही बनाइए, घर में ही लगाइए, और अपनी अपर लिप हेयर प्रॉब्लम जो है उससे छुटकारा पाइए। तो था ना बिल्कुल आसान तरीका। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और हमसे मिलते रहें। थैंक यू।